हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं Z5 के Zplex पर रिलीज हुई फिल्म अनहिंज्ड। जिस फिल्म की अगर कहानी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी का पूरा फोकस रोड रेज पर है, जिसकी मुसीबत में रेचल और उसका बेटा फंसता है, वो भी रेचल के सुबह लेट उठने की वजह से, जिसकी वजह से उसे हाईवे पर ट्रैफिक जाम मिलता है, जिससे रेचल का दिमाग खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी थोड़ी कहा सुनी रसल क्रो के कैरेक्टर से होती है, और बाद में वो चीज उसे बहुत ज्यादा महंगी भी पड़ती है, क्योंकि रसल क्रो का कैरेक्टर रेचल का पीछा नहीं छोड़ता। जिस मुसीबत से अब रेचल निकल भी पाएगी या नहीं, वही जानने के लिए आपको देखनी होगी ये अनहिंज्ड फिल्म, जिसे Zflix पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है, और इस फिल्म की लेंथ लगभग 1.5 घंटे की ही है, जिसे देखने के लिए आपको आपका टाइम देना भी चाहिए या नहीं, चलिए उन्हीं डिटेल्स पर बात करते हैं, वो भी बिल्कुल स्पॉइलर फ्री। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करें फिल्म की हिंदी डब की, तो जी हाँ, फिल्म की हिंदी डब ठीक ठाक है, और इस फिल्म का रनिंग टाइम भी, जिसके हिसाब से मुझे लगता है ये फिल्म आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, यानी कि 2020 में एक और अच्छी फिल्म आपके सामने प्रेजेंट की गई है, जिसे काफी क्विक पेस्ट पर बनाया गया है, जिसे देखते वक्त आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते। इनफैक्ट इस फिल्म में एक मैसेज भी दिया गया है कि अगर आपको कोई काम पर टाइम पर पहुंचना है तो उसके लिए आपको जल्दी उठना चाहिए, वरना आपका गुस्सा आपकी जर्नी पर निकलता है, जिसकी वजह से आप कभी ट्रैफिक में फंसते हो तो कभी ट्रेन के धक्के खाते हो। और इन सभी सिचुएशन को फिल्म के स्टार्ट के 2 मिनट के इंट्रो में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि ट्रैफिक में फंसे होने की वजह से लोगों का दिमाग कितना ज्यादा गर्म होता है, और उससे लोग किस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल भी होते हैं। लेकिन ये काफी सिंपल सी फिल्म है, जिसे आपको ऐसे ही देखकर बहुत ज्यादा इंजॉय करना चाहिए, और ऊपर से फिल्म को एक दिन में शुरू कर एक ही दिन में खत्म भी किया गया है, और ऐसी फिल्में देखने में मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज्यादा मजा आता है, जो ये फिल्म भी हमें देती है, खास करके रसल क्रो के कैरेक्टर की वजह से, जो कि इस फिल्म में बिल्कुल परफेक्ट विलन है। इनफैक्ट इस फिल्म में उनके कैरेक्टर की ही डेवलपमेंट हमारे सामने बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट की गई है, बाकी दूसरे कैरेक्टर्स की डिटेल के मुकाबले में। लेकिन हाँ, कैरेक्टर की डेवलपमेंट तो इस फिल्म में दोनों ही कैरेक्टर्स की अच्छी की गई है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये डिटेल इतनी भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव तरीके से दिखाई नहीं गई है। लेकिन ऊपर से इन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी हमें समझा दी जाती है, और सीधे फिल्म अपने मेन मुद्दे पर ही चलती है। और ऊपर से अभी मैंने आपको बताया कि फिल्म में जिस तरीके से परफेक्ट विलन को सेट किया गया है, उसकी वे वो प्रेजेंट भी बहुत ज्यादा अच्छी है, कि अगर कोई शख्स इंसानों के चल रहे रूल्स को फॉलो करना बंद कर देगा, यही सोचकर कि आज का दिन उसका आखिरी दिन है और वो किसी भी लॉ को नहीं मानता, तो वैसा शख्स समाज के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, जो हमें इस फिल्म में काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर दिखाया गया है। और अगर फिल्म की कुछ प्रॉब्लम्स की बात करें जो लॉजिक के हिसाब से है, जैसे कि किसी शख्स की गर्लफ्रेंड का उसे घर में रिप्लाई ना देना, तो वो शख्स पुलिस को छोड़कर सीधे उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है, और कार चलाते वक्त सीट बेल्ट खोलकर चीजों को ढूंढना, क्योंकि ऐसी क्विक पेस्ट की फिल्मों में जो एक ही दिन में शुरू होकर एक ही दिन में खत्म होती है, तो लोग ऐसी फिल्मों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखते हैं कि वो कैरेक्टर्स अगर ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो सिचुएशन से बचकर निकलने का ऑप्शन उनके पास कितना ज्यादा है और कितना नहीं, यानी कि राइटर्स और डायरेक्टर का भी काम यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो इस फिल्म में मेरे हिसाब से अगर आप इन चीजों को इग्नोर करोगे तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि काफी अच्छी फिल्म जो आपके टाइम को बिल्कुल भी बोर नहीं करती। और अब फिल्म के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की भी बात करें, जैसे कि फिल्म की एडिटिंग, फिल्म के डायरेक्शन और फिल्म के BGM, तो उन सभी को फिल्म के हिसाब से बिल्कुल अच्छी तरीके से डायरेक्ट और प्रेजेंट किया गया है। और अब सीधे आ जाए फिल्म की रेटिंग्स पर, तो एक्शन के लिए तो मेरी रेटिंग सीधे 5 में से 3.5 स्टार की रहेगी, जो इस फिल्म में देखते वक्त बहुत ही ज्यादा मजा आता है। लेकिन एक्शन इतने भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है नहीं, जिसमें काफी सारे एक्सप्लोशन हो रहे हैं, एक्शन को काफी ज्यादा लिमिटेड रखा गया है, लेकिन वे ऑफ प्रेजेंट जो मैं इस वीडियो में बार बार कह रहा हूँ कि अच्छा है। और अब आ जाए कॉमेडी पर, तो कॉमेडी के लिए तो 5 में से 0 स्टार बनते हैं, जो इस फिल्म में है नहीं। और ड्रामा की बात करें तो फिल्म की कहानी ट्रेलर में ही पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दी गई थी, लेकिन फिर भी फिल्म को देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है, जिसके हिसाब से ड्रामा की रेटिंग 5 में से 3 स्टार की बनती है। और बात करें सस्पेंस की, तो सस्पेंस के लिए बनते हैं 5 में से सिर्फ 1 स्टार, क्योंकि फिल्म बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। और अब आ जाए हॉरर और थ्रिल पर, जिसमें मेरी रेटिंग इस कैटेगरी के लिए भी थ्रिल के हिसाब से 5 में से 3.5 स्टार की रहेगी, क्योंकि सच में फिल्म में थ्रिल का लेवल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और अब आ जाए मासस ऑडियंस पर, तो जी हाँ, मासस ऑडियंस की नजर में ये फिल्म सीधे 1 ही रेटिंग डिजर्व करती है। और बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की नजरों में इस फिल्म की रेटिंग सीधे B+ की है। और बात करें मेरी, तो मैंने इस फिल्म को तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया है, जिसके हिसाब से मेरी नजर में इस फिल्म की रेटिंग A- की बनती है। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन फिल्म अनहिंज्ड को लेकर, कि मुझे पर्सनली ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। तो अब आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको भी ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। और हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो।
वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीत शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूं जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियो को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।